जिज्ञासा, हाँ वारंदी, आज ना एक नया गेम खेलते हैं। जरूर। हाँ, कौन सा? एक गेम खेलते हैं, लोडू। बानंदी वो लूडो होता है, लोडू ललित होता है। ये मुझे भी पता है वो लूडो होता है, पर मुझे वो लूडो खेलना नहीं है, मुझे लूडो खेलना है। खेलेगा लूडो? बहुत मजा आता है। नहीं बानंदी, मैं नहीं खेलूंगा। अरे जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगता उसमें, क्विकली 2 मिनट में गेम हो जाता है। मुझे पता नहीं। नहीं, आई एम हॉट एंड सेक्सी बट आई डू इट माई सेल्फ। हाय गाइस, मैं हुसैन हूँ, मेरे साथ शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और दिवाली की छुट्टियों में गाइस एक चीज अच्छी हो गई कि ट्विटर पर धमाल मच गया और एक ढंग की फिल्म आ गई। यस, हमने फिल्म तो देखी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ी सी यूपीएससी सेगमेंट की। तो जी सबसे हाँ, ज़्यादा खबरें इस बार भी बनाई बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों ने। हीरो में अगर बात करें तो रणवीर सिंह, उनका नया ऐड आया बिंगो का, और पब्लिक ने उसमें से एक वर्ड पकड़ लिया, फोटोन। ये तो भाई SSR आर्मी जाग गई कि हमारे सुशांत भैया का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त करेंगे नहीं और इसे कर दो बॉयकॉट। मुझे लग रहा है अब तो जैन मीटिंग भी एड कंपनीज में वैसे ही होती होंगी, एड फिल्म मेकर्स की, कि भाई क्या बना दें कि जिससे बॉयकॉट हो जाए। भाई सक्सेसफुल एड कैंपेन आज के टाइम पे वही है जो बॉयकॉट हो रही हो। वही तो हम कह रहे हैं कि हमारा शो इसीलिए तो फ्लॉप है कि कोई बॉयकॉट नहीं करने आ रहा इसको। कोई बॉयकॉट नहीं, अरे वही है ना, हमारी उतना दम भी नहीं है कि हम बॉयकॉट वर्दी ऐसी कुछ चीज ऐसी बात बोल जाएंगे। भाई कोशिश तो हम भी बहुत करते हैं, हम भी लोग गाली बकते हैं, सच सच बोल देते हैं, लेकिन हमारा बॉयकॉट कोई कर नहीं रहा। लेकिन फिर हम गाली बकते भी किसको है ना, कि अब हमने लास्ट टाइम जैसे फराज सामजी को बगी, उसे दुनिया बक रही है। सही बात। मुझे लगता है कई बार तो फेक अकाउंट बना के फराज सामजी खुद को गाली बक जाता होगा। हाँ। क्या फिल्म बनाई थी उन्होंने, बेसिकली एक एक नर्ड कैरेक्टर को दिखा दिया जो साइंस की बातें कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सुशांत भैया का मजाक उड़ा रहा है, सुशांत भैया से इंस्पायर्ड है गाइस। गंदा माहौल जहाँ पे चल रहा है वो दोस्तों अभी भी ट्विटर ही है, और गंदगी फैलाने का पूरा जिम्मा उठा रखा है अपनी घुंघराले बाल वाली रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री जो है हमारी। उन्होंने नई मसल बचा दी। एक एक लड़की है आर्ट होरिंग नाम की, जिनके आर्ट होरिंग नाम के सोशल मीडिया का हैंडल है, जिनके पिंक बाल हैं। अब उनके पिंक बाल हैं, वो आपको पसंद हो ना पसंद हो वो अलग बात है, कलर ना हो तो उनसे आगे पंगे लगे तो कितनी दिखती है, जल्द गंदी दिखती है तू। और मतलब कंगना का वैसा चलता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कितनी लड़कियों के लिए फेमिनिस्ट हूँ। हाँ। मन करेगा जिसे उससे मैं बॉडी शेम भी कर सकती हूँ, हेयर शेमिंग भी उसकी मैं कर सकती हूँ, ये सब मेरे हिसाब से। खैर, इसके अलावा मुंबई में दुकानों के नाम बदलवाए जा रहे हैं, एक लौटे को धमकी दे दी कि चल बे चल अपने नाम से कराची हटा। क्या चल रहा है यार, कराची हटाने से क्या उसकी मिठाई कम डायबिटिक हो जाएंगी या उनका टेस्ट बढ़ जाएगा? बाकी कराची ने इस बार PSL फाइनल भी जीत लिया है। सी उस दिन न्यूज आई कराची विंस PSL में, कहा ये शुरू कब हुई थी? और गाइस पूरे 3 करोड़ रुपए मिले, ये कर्जा लेके दिया गया। ये भी गाइस जितने के तुम्हारी इनाम है ना, उतने के तो यहाँ ड्रीम 11 पे लगा देते हैं बंदे, 11-11 रुपए करके 35 टीमों में। और अगर PSL से ज्यादा कोई चीज लंबी चली है तो वो चला है दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव। और केजरीवाल ने तो बीच में वो भी कर दिया था ना कि कोरोना पे ध्यान देना ही छोड़ दिया था, वो उसका ध्यान चला गया था उस पे, डेंगू पे। हाँ, केजरीवाल का अभी 2-3 दिन जब दिल्ली में 7-8 हजार केस आए, केजरीवाल का ट्वीट है दिल्ली वालों को डेंगू से जीत के लिए बधाई। कोरोना से तो आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। सरकार ने बोल दिया कि तुम लोग देख लो अपना अपना, जब हो जाए बता देना। सरकार का ध्यान तो उस पे है ना कि कुणाल कामरा पे कैसे करके केस ठुक दिया जाए। कुणाल कामरा का इस पे ध्यान है कि कैसे करके मेरे पे केस ठुक जाए, क्योंकि भाई वो तिल मिला रहा है भाई, उसके गांजे ने असर नहीं कर रहा है। कह रहा नहीं भाई मेरे पे केस क्यों नहीं हो रहा, मैं जेल क्यों नहीं जा रहा, मेरे सारे दोस्त एक एक बार जेल जा चुके, मेरे को नहीं जेल जा रहा है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है इतनी उम्र में? मैं बुढ़ा हो गया, रो रहा है अभी भी? पापा मैं कभी जेल जाऊंगा, मैं जेल, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पापा, मैंने अरब से पंगा ले लिया पापा, मैं फ्लाइट से बैन हो गया, पर पापा मैं जेल कभी जाऊंगा पापा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना कुछ बोल दिया पापा, मेरे सारे दोस्त एक एक बारी जेल चले गए, उमर कन्हैया पापा, ना तो मेरे को स्वरा की तरह टट्टी प्रोजेक्ट मिल रहा है पापा, ना ही मैं जेल जा रहा हूँ, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा पापा। पापा मेरी ये कलाइया सुनी मेरे को अच्छी नहीं लगती पापा, मेरे को इन पे हथकड़ी मांगती है पापा, हथकड़ी मांगती है मांगती है मांगती है मांगती है है। किस वो पैदा कर दिया? इस हफ्ते हमने देखी लूडो एंड द फर्स्ट दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स प्रोबेबली
2020's बेस्ट फिल्म। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बेस्ट सबसे बेहतर फिल्म। मैं मतलब हमें सबसे अच्छी लगी और हम जानने के इच्छुक है कि दीक्षा जी को ये फिल्म कैसी लगी। उन्होंने बोल दिया अक्षय कुमार करियर खत्म। नहीं हाँ वही लक्ष्मी के बाद उन्होंने बोला था अक्षय कुमार करियर खत्म। इसके बाद क्या बोला कि नेटफ्लिक्स इंडिया करियर खत्म। अक्षय कुमार कितना परेशान है भाई, तीन रातों से सोया नहीं हुआ एक हफ्ते से। अब राम सेतु तक मुझे लगा कि चलो भाई ने रिडीम कराने की कोशिश की, नीचे टैगलाइन डाल दी रियलिटी और मिथ। अब भाई रियलिटी ही है वो तो। ये भगवान करा रहा अक्षय कुमार से क्यों? क्योंकि दीक्षा दीदी ने कह दिया अक्षय कुमार का करियर खत्म। फिल्म की कास्ट की अगर बात करा जाए तो फिल्म का कास्ट लूडो के एक सेट से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जिस तरह से लूडो में चार अलग अलग रंग होते, चार अलग अलग घर होते, वैसे ही यहाँ पे भी चार अलग अलग टीम्स हैं। एक किरदार जो है वो पासे की तरह है बेसिकली, जो डाइस होता है कि जिसके रोल होने से सबकी लाइफ जो है इफेक्ट हो रही है। तो ये किरदार प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने, वो बने सत्तू भैया गैंगस्टर और थोड़े ऐसे जॉली से गैंगस्टर है वो। इस बार येलो कलर को रिप्रेजेंट करा आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा ने। आदित्य रॉय कपूर प्ले करते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन, भाई सानिया मल्होत्रा एक प्रिटी लड़की है जो कि आउटराइटली गोल्ड डिगर है। हाँ मतलब वो मान लेती है बट गोल्ड डिगर नहीं। वो बोलती है कि बचपन से मैंने प्रिपरेशन इसी की है कि मेरी पैसे वाले लड़के से शादी हो जाए। और ग्रीन हाउस को रिप्रेजेंट करा है राजकुमार राव ने और फातिमा सना शेख ने। राजकुमार राव प्ले करते हैं एक स्मॉल टाइम क्रूक जो कि अपना एक ढाबा चला रहे हैं, वही फातिमा सना शेख सेटल्ड है लाइफ में एक हस्बैंड और एक छोटे से बच्चे के साथ। ढाबे वाले सारे क्रूक हैं वैसे है ना आजकल। हाँ ये बात तो बहुत सही है भाई, क्या पकड़ा अनुराग जी ने। वही बना दो इसको। राजकुमार राव का बचपन का प्यार होती फातिमा सना शेख, बट फातिमा सना शेख को पता नहीं होता कि मैं बचपन से उनका प्यार हूँ। फातिमा सना शेख के पापा उनकी शादी करा देते किसी और लड़के के साथ, जो बेटा ये होता ये सब प्लॉट है, थोड़ा सा पैसे वाला ये होता प्लॉट है। होता है। अच्छा सॉरी, जैन करियर ओवर। दीक्षा दीदी जिस दिन थंबनेल पे लिख देंगे जैन का करियर खत्म, जैन रिव्यू करियर ओवर, उस दिन मैं सोचूंगा कि क्या करना है लाइफ में, अंडे की खेती करूं या ईंट का भट्टा डालूं। ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करा है शीजा थॉमस ने और रोहित सराफ ने। रोहित सराफ बेसिकली प्ले करते हैं एक छोटे से स्मॉल टाइम सेल्समैन, जो क्या बोलते हैं सेल्समैन बड़े से। यार ये तुमने अब मेरे दिमाग में डाल देना कि दीक्षा दीदी बोल देगी मेरा करियर खत्म, अब मेरे हकला रहा हूँ मैं। हाँ ये डर अच्छा लगा मुझे भी और दीक्षा दीदी को, डर बैठ गया मुझे क्या है। और इसके अलावा रेड हाउस को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे अभिषेक बच्चन और एक बहुत क्यूट सी बच्ची ने। क्यूट बच्ची का कैरेक्टर किसने प्ले किया है? हर्षाली ने। भाई बजरंगी भाईजान नहीं चल रही है ये, हर्षाली से तो लोग वैसे ही गुस्सा हो गए कि मुन्नी बड़ी कैसे हो गई। सलमान भाई अभी भी उतने ही दिखते जितने के 5 साल पहले दिखते थे, मुन्नी बड़ी हो गई बताओ। बच्ची का कैरेक्टर वैसे प्ले किया है इनायत वर्मा ने और बड़े बड़ों को एक्टिंग में उन्होंने पछाड़ दिया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। अभिषेक एक क्रिमिनल है, वो भी सत्तू भैया के साथ ही थे पहले, अभी जेल से वापस आए। ये बेसिकली चार कलर्स है जिनकी कहानी लूडो के एक चक्र की तरह आपस में मतलब वो ये कहाँ कैसे घर होम पहुँचते हैं। इश्तियाक खान फिल्म के अंदर एक पुलिस वाले बने हुए हैं जिन्होंने भी बड़ा जबरदस्त काम किया है। बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की, जा रही है कि माई लास्ट चांस टू रिडीम माई करियर। फिल्म का प्लॉट काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझने के लिए आपको सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। सत्तू बेसिकली एक क्रिमिनल है जो कि पेटी क्राइम करते हैं, मर्डर्स करते हैं, हर तरीके के क्राइम वो करते हैं और वो मर्डर करते हैं बड़े प्रॉपर्टी डीलर भिंडर का। बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ इस मर्डर से ही किसी ना किसी तरह से जुड़ जाती है, वो अगर हम बताने जाएंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की क्या बैक स्टोरी है वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे अभिषेक बच्चन है वो पहले सत्तू के ही राइट हैंड थे, अब उनका क्या है कि वो अच्छे इंसान बन रहे हैं, कुछ पैसों की ज़रूरत है उन्हें पूरी करने के लिए, वो और क्राइम कर रहे हैं। और जो जिस लड़की के साथ मिलकर वो ये सब कर रहे हैं मिनी को, बेसिकली क्या है कि उनके घर वाले तो ऐसे दिखाए गए कि भाई वो बाई और एक क्यूट से पपी के बीच में बाई को चुनते हैं बताओ, तो मिनी इस चीज़ से गुस्सा हो जाती मतलब है। उनके माँ बाप पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि मिनी को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और मिनी क्राइम करना कहाँ से सीखती है? सीआईडी देख, सीआईडी से। वो है अक्सी ऑक्सीमोरॉन की भाई, क्राइम करना सीखती है सीआईडी से। उनके बहुत करीबी दोस्त होते फातिमा सना शेख के हस्बैंड जो कि फातिमा सना शेख पे चीट कर रहे हैं, और वो जाते तो हैं होटल मेकआउट करने के लिए, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बीवी उनका चेस कर रही है तो वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं अपने उस दोस्त के, और वहां से वो कनेक्ट हो जाते हैं मर्डर से। कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्लॉट, लेकिन फातिमा सना शेख बहुत सुंदर लगी है इस फिल्म भाई के अंदर। वो जो सीन है होटल के अंदर, हाँ यहाँ गोलियां चल रही है, गोलियां लग उनको रही थी लेकिन दर्द इधर हो रहा था। फातिमा सना शेख के इश्क में पीछे पागल थे बचपन से राजकुमार राव, और राजकुमार राव ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अब बेसिकली वो चोर चक्कर बटोर कर
एक ढाबा चला रहे हैं। तो फातिमा सना शेख जाती है राजकुमार के पास मदद मांगने के लिए। तो इस तरीके से वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इस कहानी से जुड़ते हैं सानिया मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर। ये दोनों किसी डेटिंग ऐप या शादी.com टाइप ऐप के थ्रू मिले होते हैं और उसके बाद होता यह है कि इनके बीच में थोड़ा माहौल बन जाता है, जो इनका सेक्स वेक्स हो जाता है वो उसी क्लिप बन के अपलोड हो जाती है इंटरनेट पे। और ये शादी आदित्य रॉय कपूर से ना करके किसी और से कर रही होती हैं और आदित्य रॉय कपूर बीइंग द गुड गाय दैट ही इज इन द मूवी ये जाते हैं सत्तू भैया के पास। और सत्तू भैया हाँ। अपने आईटी वाले बंदे को इस काम पे लगा ही रहे होते हैं कि भाई उससे पहले सारा बवाल मच जाता है। और वहीं पर अभिषेक बच्चन जब जेल से वापस आते हैं तो वो वापस आते हैं अपने घर अपनी बेटी को एक डॉल देने के लिए और वहां पर उन्होंने सत्तू भैया से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं उनके नए हस्बैंड ने और इसी चक्कर में सत्तू भैया उन्हें भी उठा के ले जाते हैं। अब अभिषेक बच्चन भी जाते हैं सत्तू भैया के पास मदद मांगने की, भैया उस लड़के को छोड़ दो। यहाँ से तीन कहानियां कनेक्ट हो जाती है सत्तू भैया के साथ। हालांकि जो ब्लू हाउस है यानी कि जहाँ पर ये शीजा और राहुल जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वो बाद में होता है और वो हम नहीं बताएंगे बिकॉज दैट वी वांट यू टू सी इन द फिल्म। इस फिल्म की सिर्फ और सिर्फ हम तारीफ करना चाहेंगे और इसीलिए बात करते हैं अबाउट द थ्री थिंग्स दैट वी लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म। पहली बहुत क्लीशे हो चुका है बट परफॉर्मेंसेज, मतलब अब यहाँ पे मैं डायरेक्टर की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। आप देखें सेम अभिषेक बच्चन जिसको और कहीं शायद हम क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार ये क्या बंदा है इसने फिर ये कर दिया, हर एक सिंगल एक्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाना ये मुझे अब समझ में आ रहा है इट्स डायरेक्टर्स कि अगर किसी को बेसिक ABCD भी आती है ना एक्टिंग की भाई अच्छा डायरेक्टर उससे 100% निकलवा लेगा, वो इस फिल्म में हुआ है। सेकंड थिंग जो प्लॉट है, प्लॉट बहुत ही थॉट आउट है, बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा है कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है, अरे यहां से आ गया अरे वहां से आ गया। एवरीथिंग हैज अ पर्पस, एवरीथिंग हैज अ मोटिव और बहुत ही फ्रेश बहुत ही डिटेल स्केच्ड आउट प्लॉट है व्हिच इज वेरी रेयर टू सी इन बॉलीवुड दिस डेज। थर्ड थिंग क्रेडिट गोज टू द राइटर्स ऑफ द फिल्म जो कि खुद अनुराग बासु और सम्राट चक्रवर्ती हैं। आप दोनों ने भाई साहब मचाया और मैं कहूंगा कि फराज सामजी तू देख साले तेरे लिए तो ये फिल्म मास्टर क्लास होगी, देख और सीख क्या करना है। डिसलाइक वाली चीजें तो कुछ है नहीं, लाइक वाली एक और बोल देता हूँ कि भाई फिल्म का म्यूजिक कितना जबरदस्त है, जो एक पुराना गाना ढूंढ के लाए ओ बाबूजी वो जुबान पे चढ़ जाता है। एंड थ्री थिंग डिसलाइक के अलावा मैं भी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, द सिनेमेटोग्राफी आल्सो वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव थ्री थिंग्स टू डिसलाइक अबाउट द फिल्म, मुझे कोई भी चीज डिसलाइक वर्दी नहीं लगी। व्हिच मेक्स आवर रेटिंग फॉर द फिल्म पेड रिव्यू कंप्लीट, बहुत बढ़िया फिल्म, एज दीक्षा दीदी सेड मास्टरपीस। भैया ये लोडू क्या होता है? लोडू तो यार उनको कहते हैं जो ऐसे फालतू का काम नहीं करते, मतलब कोई काम धंधा आता नहीं है, फालतू की बातें करना, इसको झाड़ना उसको झाड़ना, इसके सामने हवाबाजी कर दी उसके सामने हवाबाजी कर दी, लेकिन होते बिल्कुल नलायक लल्लू है। लोडू आप ही हो ना भैया? अबे बड़वे भाई लोडू किसे बोल लिया, एक तो हमारे घर में आके बैठ गया हमारा भाई बन के, तो तमीज नहीं है किसी बात की, निकाल दूंगा साले घर से। भैया मैं तो वो एक्चुअली मूवी देख रहा था लोडू मूवी, तो मैं पूछ रहा था ये लोडू क्या होता है? अबे मैं वो लोडू नहीं है, वो लूडो है, लूडो गेम होता है हमारे इधर, जैसे तुम्हारे उधर वो नहीं गेम होता, वो उसको क्या कहते हैं यार, वो जो ऐसे फेस नहीं बना के बैठ जाते यूं, ओ पोका, हाँ पोकर। अबे जैसे पोकर होता है तुम्हारे उधर वैसे ही हमारे इधर होता है लूडो, तेरे को सीखना है क्या? हाँ भैया मेरे को लूडो सिखाइए ना प्लीज। अभी सिखाता हूँ यार, कैसी बात कर रही है तू, इमेजिन कर ये लूडो वाला गेम है, ठीक है, लाल गोटी मेरी है, इधर वाली हरी तेरी है, मेरे को चार से अंदर लेके जानी है, तेरे को दो से अंदर लेके जानी है, तो पहले मैं चलता हूँ, ठीक है, ये मैंने चली ले चार से मेरी तो चल गई अंदर, तू हार गया भाई, ला 5,000 रुपये दे। भैया पर हम तो इमेजिनेशन में खेल रहे थे ना। भाई खेल तो इमेजिनेशन में रहते, हार जीत तो रियल की हुई है ना। अबे अगर तू हार आया तो तेरे को दुख तो होगा ना, तो ऐसे जीतने वाले को इनाम तो मिलना चाहिए ना, ला 5,000 रुपये दे, ऐसे नहीं करते भाई, पाप चढ़ता है, ला दे रहा हूँ, मेरा लड़ू बना दिया भाई। कुछ नहीं होता, अब तो जीत भी तो जाएगा, सीख गया ना तू, ये लड़ू ही है तू। So anyway guys, this was us on Old Famous Honest Reviews. आपको छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, एंड इफ यू आर वॉचिंग अस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंशन। यस जल्दी 1 मिलियन कराओ भाई, जैन लहंगा चुन्नी बुक करके बैठे डांस के लिए। एक बार मेरा डांस कर लेना, उसके बाद तो आ जाएगा भाई, गणेश आचार्य करियर ओवर। खत्म। मैं
men also have to understand that we are human beings first, and it is okay to feel recognize when we fail in something, or recognize our emotions and feelings and then work on it, you know. And for that we need people, I think, trust and faith in people that we can reach out to and communicate.